अभी जस्ट हमारे यहाँ पे बारिश रुकी है और मॉर्निंग और दोपहर भाई बारिश नहीं रहती, बट इवनिंग से स्टार्ट होते पूरे दूसरे दिन तक मॉर्निंग तक बारिश ही बारिश रहती है। और दोस्तों हमारे जो रैबिट्स का जो घास है हमने कल डाला था तो ये सक्सेसफुली रहा, मतलब इन्होंने ये खाया नहीं यार, सारा का सारा घास अभी पड़ा हुआ है। ये घास को सूखने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे और सूखने के बाद इनके लिए ये बहुत ही अच्छा बेडिंग का काम करेगा। जो इससे ब्लैकी को हाथ लगा देना, ब्लैकी को बिल्कुल भी देखो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, इसको हाथ लगाने से मतलब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और ये देखो यार थोड़ी बहुत उधर घास है ना सूखने भी लगी है, तो ये अच्छा काम करेगा यार। और मैंने इनको ना अभी ताजी घास दी, अभी घास दे रहा है यार, तुझे क्या कर रहा है यार, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई ब्लैकी तू। और दोस्तों मुझे बहुत सारे भाइयों के सजेशन आए कि भाई ये ब्लैकी और स्नो के लिए मटका इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पे ना कुछ बॉक्स टाइप कर लो। तो भाई मेरा प्लानिंग था कि यार यहाँ पे हम कुछ लकड़ी का इनके लिए बॉक्स कर देंगे, क्योंकि हमारी ब्लैकी के लिए थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। जब जब ब्लैकी अंदर जाएगी ना तब तब बच्चों के मतलब ऊपर आ सकते हैं, और हमारे जो बच्चे रहेंगे छोटे छोटे वो दब सकते हैं यार। तो इसी की वजह से हम क्या करेंगे, हमारी ब्लैकी के लिए एक अच्छा सा यहाँ पे ना लकड़ी का घर बना लेंगे और ये वाला जो मटका है हम ये बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारे जो पिजन्स का जो खाना है भाई वो भी अभी सारा का सारा खत्म हो गया। देखो भाई इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, और इसमें भी कुछ नहीं है। अभी सिर्फ हमारा बचा हुआ है सिर्फ इमरजेंसी वाला बॉक्स में थोड़ा बहुत खाना, डब्बे में सॉरी, तो ये डब्बा भी खाली होगा और ये डब्बा भी खाली होगा, तो अभी सिर्फ इतना ही बचा है। तो इसमें से अभी काम चलाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अभी बाजार नहीं यार एक दो दिन, तो दो दिन के बाद जैसे बाजार होगा तब हम ये डब्बे फिर से फुल कर देंगे। तो चलो यार ये सारा खाना अभी मैं हमारे पिजन्स को दे रहा हूँ। चलो आ वाह वाह वाह, आ जाओ, तुमको मैं बाहर नहीं छोड़ सकता यार, बाहर बारिश चल रही है यार बाहर। अबे रुको यार दो मिनट तो रुको यार, अबे उधर डाल रहा ना मैं, रुको 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 यार, अबे यार इन्होंने अटैक कर दिया। ओए होए 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 होए, तुम भी खा लो, जाओ 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 जाओ, अभी सारा खाना खत्म कर देंगे। तो दोस्तों हमारे जो पिजन के बेबीज है अभी देख सकते हो कितने बड़े बड़े हो गए, बिल्कुल एडल्ट साइज के हो गए, मतलब उनके मॉम डैड जैसे हो गए यार। तो हमें ये बहुत जल्द हमारे सेटअप से ये चले जाएंगे, मतलब हम इनको सेल कर देंगे, नहीं तो मेरे दोस्त के पेट शॉप में मैं इनको दे दूंगा। ये देखो कितना बड़ा हो गया, ये देखो सारे के सारे बेबीज बड़े हो गए, अभी खुद से खाना खाने लगे। और हमारे पास 15 दिन हम रहने देंगे, फिर इनको हम दे देंगे, मतलब हमारे सेकेंड वाले जो बेबी आ जाएंगे तब हम इनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो यार सेकेंड वाले जो बेबीज रहेंगे ना तो उनको दिक्कत हो सकती है। ये देखो भाई ये इसके ब्लैकी के कारनामे है भाई, ये हमारा स्नो ऐसा नहीं करता। ब्लैकी यार तेरे लिए किया है यार, मत कर क्या करे ऐसा, देखो भाई क्यों करती है यार ऐसा, इसको ना डांटना ही पड़ेगा। स्नो क्यों करती है यार, तूने ही किया है, मतलब ये सारा का सारा ना ये जितना भी फाड़ा ना हमारे ब्लैकी ने किया है, वो गुस्सा भी ज्यादा करती है। तो दोस्तों हमारे जो कॉकटेल का जो केज है भाई सारा का सारा एकदम ठीक ठाक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये रह भी रहे। अभी तक तो ये कंफर्टेबल नहीं हुए, क्योंकि अरे मैं आता हूँ ना तब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ये देखो भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ ना ये प्लांट्स भी उगने लगे, तो ये प्लांट्स किसके भाई, ये प्लांट्स हम जो इनको खाना देते ना भाई, ये थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है ना तो ये उग गए। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही समस्या है कि भाई यहाँ पे ना रात को जब बारिश होती है ना तो इनका सारा का सारा ना फूड भाई देखो भाई पूरा गीला हो जाता है और कुछ काम का नहीं रहता, ये कॉकटेल खा ही नहीं पाते यार। तो इसकी वजह से हमें हर रोज इनका जो फूड है ये हमें चेंज करना ही पड़ता है। तो दोस्तों इनके लिए हमने एक सुझाव निकाला था, मतलब यहाँ पे हमने फूड रखने का फैसला किया था और वहाँ पे पानी रखने का फैसला किया था। तो आज से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पानी रख देंगे और वहाँ पे हम इनका जो फूड यहाँ पे रखते हैं वो वहाँ पे रख दिया करेंगे। हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों आज हमें हमारा जो टर्टल्स का सेटअप है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कमेंट में कह रहे कि भाई आप टर्टल का सेटअप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो, तो आज हमें वो कंप्लीट करना है। तो चलो भाई करते हैं, चल ध्रुव भाई। ध्रुव हमारी सबसे जो पहले स्टेप होने वाली है, सबसे स्टेप पहली हमारी होने वाली है जो कि यहाँ की जो ईंट है ना भाई, ये ईंटें हमें यहाँ पे लेके जानी है, ठीक है। वो क्यों लेके जानी है मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तो नीचे जा, मैं ऊपर जाता हूँ, मैं कैच करता हूँ। ध्रुव गया क्या? हाँ अभी ऊपर फेंक, एक एक ईंट फेंका ऊपर। तो यहाँ पे ना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत ना बारिश का जो पानी ना भाई आ गया है, ऑलरेडी पानी आ चुका है, तो भाई मैंने सोचा कि यहाँ पानी भरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, मैं इसके पास से अभी ईंट लूँगा और यहाँ पे हम ऐसा एक लेयर बना देंगे, क्योंकि हमारे जो टर्टल्स हैं भाई यहाँ से कूद कर नीचे ना जाए यार, इनके लिए सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं। ध्रुव तू इधर से दे, मैं इधर से कैच करता और मैं यहाँ से लाइन से लगा देता, दे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों अभी हमारा जो फर्स्ट वाला लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पे और 4 लेयर आने वाले हैं भाई, ठीक है यार बहुत ज्यादा थकान का काम है। ध्रुव भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काम करके ऐसे अच्छा लगता है। तो ये रख दिया हमने,
फाइनल वाली ईट। तो यहाँ पे हमने ना 1, 2, 3, 4 और एक 5 हमने यहाँ पे लेयर किए भाई। अभी भी टर्टल्स कूद सकते, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना भाई। मुझे तो नहीं लगता भाई यहाँ से टर्टल चढ़ के बाहर जा सकते, तुझे क्या लगता ध्रुव? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको सपोर्ट तो आ जाएगा, जा भी सकते हैं तो रहा है मुझे, क्योंकि भाई ऐसा मत बोलना यार। नहीं नहीं जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा मैं, जा सकते थोड़ा डाउट है मुझे यार, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा फिर। सुन मेरी बात, तू बोल रहा ना ग्रिप का तो यहाँ पे ग्रिप उनको मिल ही नहीं सकती ना, यहाँ पे टाइल है ना यार, टाइल पे कैसे चढ़ सकते हैं यार, ये यहाँ पे फिसल जाएंगे। ये हमने क्यों लगाया भाई, क्योंकि ये यहाँ से उनका पंजा बैठ गया, ठीक है बैठ गया, तो ये नीचे ऐसे ऐसे करके नीचे जा सकते हैं, इसलिए हमने ये ईटे लगवाई है, मतलब एक इनको सपोर्ट रहेगा यार। ये चांस तो नहीं ना यार जाने का, तो ये तो बहुत छोटी जगह होगी, इधर से तो अपने टर्टल बड़े यार, इतने बड़े हमारे टर्टल है, और इधर से तो बिल्कुल चढ़ नहीं सकते। तो अभी दोस्तों हमारे जो टर्टल्स है, चलना भाई जल्दी, चल जल्दी जल्दी जल्दी, अभी हम हमारे टर्टल्स उठाते और वहाँ पे छोड़ देते, चलो। अबे यार हमारा टब इतना बड़ा यार, आ जा 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 जा, धीरे धीरे धीरे। अभी यहाँ से कैसे ला गया ध्रुव, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आएगा यार, तो कैसे वैसे करके तो हम टब लेके आए। चलो भाई यहाँ पे अभी ये रख दे। तो अभी हमारा सबसे पहला वाला टर्टल जाने वाला है, चलो भाई तू जा भाई पहले। ओ भाई ये बहुत खतरनाक यार, ध्रुव छोड़ो इसको मैं छोड़। ओ भाई जा 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 जा, ओए नहीं गया रे, ओ गया भाई खुश हो भाई। ओ ओ चल तू भी आ जा, चल दूसरा वाला तू भी आ जा भाई, चल 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 जा तेरे न्यू होम में, दे भाई तीसरा वाला संभाल के भाई काटते, जाओ भाई तुम भी जाओ तुम्हारे थर्ड वाले घर में, चौथा वाला तू भी जा भाई। इसको थोड़ा लगा हुआ यार, पेट शॉप वाले भाई बोले कि इनको कुछ नहीं होगा, जाओ भाई जाओ 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 जाओ, देखो खाने भी मांग रहे यार। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही काम करना है, जो कि यहाँ पे कुछ रीति वगैरह डाल देंगे, मतलब ये बाहर आ सके, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी सुन मेरी बात पहले, अभी पानी ना हम फुल कर देंगे, इतना लेवल तक पानी कर देंगे, मतलब ये तभी बाहर आएंगे, आ सकते हैं उनके आ सकते, क्योंकि पानी फुल रहेगा तो इजीली ये स्विम कर सकते हैं, और बाहर भी इनके लिए इतना बड़ा स्पेस भी हो गया। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो टर्टल्स है रेडियो शेडर, तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। तो चलो यार अभी सबसे पहले हम क्या काम करते ध्रुव, इनको उनका खाना दे देते, चल जल्दी जल्दी जल्दी। तो चलो यार इनका यहाँ पे इनका फर्स्ट वाला ही होगा फीड, चल चल आओ जाओ 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 जाओ, अभी सारे टर्टल्स आ जाएंगे हमारे, आ जाओ भाई इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ 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 जाओ, अभी नहीं आ रहे यार ये ध्रुव। मैं क्या बोल रहा है, यहाँ का थोड़ा पानी ना ग्रीन हो चुका है ना, तो ये पानी भी हम निकल लेंगे यार कल, मतलब कल हमें क्या काम करना है, यहाँ पे रेती तो अभी नहीं डालेंगे यार, क्योंकि ना बारिश यहाँ पे गिर रही, तो रेती डालने का कोई सवाल ही नहीं होता यार, क्योंकि यहाँ पे रेती डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत तो होगी यार, क्योंकि बारिश आएगा तो पूरा गंदा हो जाएगा यहाँ पे। अभी तो रेती नहीं डालेंगे, अभी से पानी भर देंगे फुल और क्लीन कर देंगे कल, क्योंकि हमारे यहाँ ना दोस्तों रात को बारिश आती है, मतलब अभी शाम हो जाएगी ना थोड़ी देर में, अंधेरा जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारे चारों के चारों टर्टल्स एंजॉय कर रहे हैं इनका इवनिंग का डाइट, चलो खा लो 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 खा लो, होय होय होय। और ध्रुव मुझे ना काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि भाई ये ना फ्रूट्स भी खाते हैं यार, फ्रूट्स हाँ खाते ना फ्रूट्स इनको, हाँ यार कल फ्रूट्स देंगे, बड़े खाते हैं देखेंगे अपन, ठीक है एप्पल वगैरह लेके आएंगे बाजार से और इनको देंगे अपन, हाँ यार कैसे खा रहे यार भाई, झगड़ा करके खा रहे हैं तो जबरदस्त सब खत्म कर दिया यार। हाँ ना यार 10 सेकंड लगे इनको खत्म करने में, सीधा निकलते भाई पकड़ दे निकलते। तो दोस्तों हमारा जो डोडो है अभी वो बिल्कुल भी पहचाना नहीं जाता, क्योंकि ये बड़ा हो गया है और हमारे सेटअप से बहुत जल्दी ये चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया ध्रुव ने यार, सारा पानी ना भाई नीचे फेंक दिया यार, हाँ ठीक है दोनों से, पर तूने ज्यादा किया ना, टर्टल्स तूने उठाए सबसे पहले ठीक है, पर तेरे से टब तेरे से छूट गया ना, चल भाई पर जल्दी जल्दी एक कर, क्योंकि ना भाई घर वाले ने देख लिया ना भाई, चल जल्दी जल्दी। सुन मेरी बात सुन सुन सुन, पहले ना अपने केज ना बाहर रख देते, और आज हमें ये वाले दोनों बॉक्स है ना कॉकटेल के केज के अंदर लगा देंगे यार, ठीक है चल फिर उठा जल्दी उठा 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 उठा,
क्या कर रहा है यार ध्रुव तू? अरे तूने उठा नहीं ले गया यार। अबे यार जाने दे। तो दोस्तों यहाँ का हमने सारा का सारा अभी हमारा फिश रूम क्लीन कर लिया। क्लीन मतलब यार यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भाई ने गिरा दिया था तो क्लीन हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाले जो दोनों बॉक्स है ये वाले यहाँ पे लगाने, ये भी ले ले मैं आऊँ क्या हेल्प के लिए? नहीं नहीं बाहर रुको ना, बाहर रुक तू। ओके ये वाला भी ले यार, थोड़े साफ कर देते ना ध्रुव ऊपर से कर दे फिर जल्दी से। हाँ ठीक है एक वहाँ पे लगा दे, तू अभी लगा रहा वहाँ पे, और एक है ना यहाँ पे लगा दे, क्योंकि ये जो पेयर है ना ये वाला यही पे बैठता है रात भर, तो ये तो ये केज देख के तो वहाँ पे बैठता जाएगा। ये पेयर को भी अच्छी आदत होगी यार, ये यहाँ से ना ये वाले डरबे में जा रहे हैं, मतलब ये बहुत जल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। अबे यार क्यों नहीं लग रहा, सुन ना फिर तू इधर ही तो मुँह उसका यही मुँह कर दे ऐसा, हाँ ऐसे लगा दे, हाँ परफेक्ट। तो ये हमारा फाइनल वाला भी फिट हो गया दोस्तों, ये वाला ऊपर वाला है वो भी हो गया और ये वाला ये भी हो गया। अभी हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स हो गए हमारे कॉकटेल के लिए, और हमारे पास पेयर कितने, सिर्फ 2 पेयर है, और इस कॉकटेल के लिए हमें बहुत जल्द इसके लिए एक फीमेल कॉकटेल लाना है। और सुन ना ध्रुव, इधर ना इनका बारिश से जो खाना ना गीला हो जाता है रात को, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें खाना देते जाएंगे ऊपर, ठीक है, हाँ ओके अभी डाल देते हैं, हाँ अभी डाल देते हैं, तो आ जा बाहर अभी, पहले नहीं पानी इधर रखना है अपने को, पानी इधर और उधर खाना उनका, ठीक है चलेगा, वैसे ज्यादा मत डाला। ये वाले दोनों केज ना ध्रुव अपने ना वहां पे रख देते, हमारी लिली बेटी ना उस रूम में रख देते दोनों केज, तू ही लेके जाता क्या अकेला, ठीक है। तो दोस्तों अभी हो चुकी है रात और मैं ऊपर हमारे टर्टल्स देखने के लिए आ गया, क्योंकि यार इनको देखना भी पड़ेगा यार क्योंकि रात हो चुकी है। तो ये देखो भाई ये वाला पहला तो ठीक है, देखते हो यार कहाँ पे है बाकी उस कोने में, ये वाला तो ठीक है यार, और दूसरा कहाँ है, दूसरा वाला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने हमारे जो टर्टल्स थे उनको उनके जगह पे छोड़ दिया, ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते।